नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 10-15 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैंने इसका रीज़न मेरे मम्मी पापा से पूछा, उन्होंने बताया कि ये कोरोना एक वायरस है जो इंडिया में आ गया है। इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन कर दिया है। Hey, what's up guys? Welcome back on Mr. RK Blog. दोस्तों, आज का वीडियो कुछ होने वाला है लॉकडाउन एंड कोरोना के बारे में। दोस्तों, कुछ दोस्त हैं मेरे जो कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, तो आप उन्हें सुनिएगा। और आज की वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं अलग अलग रिव्यू, अलग अलग लोग क्या सोचते हैं कोरोना के बारे में और लोगों के बारे में जो इसको फेस कर रहे हैं। आज हमारे सामने मुश्किल की बहुत घड़ी है। आज हम सब लोग इस कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक संकट का समय है। लेकिन इस संकट के समय से हम जीत देख के दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे और पहले जैसा ही हमारा जीवन चलेगा। और सबसे पहले धन्यवाद उन सभी डॉक्टरों का, उन मेडिकल स्टाफ का, उन पुलिस कर्मियों का जो अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को अपने परिवार से अलग होके हमारी सेवा में लग रहे हैं। उनको सबसे पहला धन्यवाद और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद उन सभी के लिए जो अपना ना सोचकर सबकी सेवा में लगे हैं, अपना सब कुछ तन मन धन से लगे हुए हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और उन सभी लोगों के लिए, घर रहें, सेफ रहें और इस कोरोना से लड़ने के लिए हमें आगे प्रेरित करें और वही अच्छा रहेगा। सुबह चलिए सबसे पहले एक भैया से जानते हैं क्या सोचते हैं कोरोना के बारे में और लॉकडाउन के बारे में और उन लोगों के बारे में जो इसको फेस कर रहे हैं। नमस्कार, भारत माता की जय। पहले तो मैं उन सभी पुलिस कर्मियों का सर दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ जो पूरी ईमानदारी से अपनी संकट की घड़ी में हम लोगों का साथ दे रहे हैं और बिना कोई अपने परिवार को छोड़ के हमारे लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। एक में दूसरा सबसे अहम बात मेरे को बहुत अभी रियलाइज़ हो रहा है, लोग बहुत दान पुण्य कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं कि मैं गाय को चारा डाला, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके या खुद भी पैसा फंडिंग करके वो ऐसा काम करें, तो एक ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने दिया है तो उसको जताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल पैसे का अहमियत नहीं है, दिल से आप जो कर रहे हैं वो सब वैसे ही सब लोग जानते हैं कि आपने कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं इस संकट घड़ी में। आप उन पशुओं के लिए, उन भूखे और जो गरीब और जो असहाय लोग, उनकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और सबसे मुद्दे की बात, जिन लोगों के पास में राशन नहीं है सरकार पहुँचा रही है। आप मुद्दे की बात ये है कि आप ऐसे परेशान ना करें कि हमारे पास राशन नहीं है, आपके पास में जी भर के पड़ा है फिर भी आप लोगों को फ़ोन करके बोल रहे हैं हमारे पास खाने को नहीं है। आप उनके देखिए जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, गरीब हैं, पैदल जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो लड़ रहे हैं और देश के साथ खड़े हैं। देश के साथ खड़े रहिए, परिवार के साथ रहिए और जितना हो सके अपने और अपने सहयोगी, अपने दोस्तों, मित्रों, सबको सपोर्ट करिए। धन्यवाद। नाम रोहित सैनी है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं उन पुलिस कर्मियों और डॉक्टर्स का सहदिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस मुश्किल बड़े संकट में हमारा साथ दिया। और मैं उन व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो कृपया करके बाहर मत जाइए, घर पे रहे। कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, वह बाहर घूम रहे हैं, उनका कृपया मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, कृपया करके आप बाहर ना घूमें। कृपया अभी तक भी उस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसके बावजूद भी वे बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे मैं यही आग्रह करूँगा, अंदर रहे, सेफ रहे और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 10-15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैंने इसकी वजह मेरी मम्मी पापा से पूछी, उन्होंने बताया कि हम लोग अभी कोरोना की वजह से हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से हमारा स्कूल बंद है, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और जो हमारे मम्मी पापा हैं वो सरकारी सर्वेंट हैं, वो देश के लिए ड्यूटी पर जाते हैं।